बैक टू माई चैनल ऑनलाइन फॉर्म भरे। दोस्तों आज हम लोग भरने वाले हैं जीकब का फॉर्म। तो दोस्तों आपको बता दें, आपको इसको भरने के लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर पे खोलना है। इसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है जीकब। दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों आपको जो पहला ऑप्शन आता है जीकब एग्जामिनेशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही देखें दोस्तों आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, अप्लाई फॉर जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो पहला है उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइट पे कर लेना है, थ्री डॉट पे जाना है। थ्री डॉट पे जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना है। डेस्कटॉप साइट करने का फ़ायदा ये रहता है कि स्क्रीन छोटा हो जाता है और भरने में आसानी होती। तो दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे अगर ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हैं तो आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो फिर आप न्यू को आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक तो दोस्तों जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन बटन में क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपका पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको एक डिक्लेरेशन दिख रहा होगा, आई एग्री पे क्लिक कर देना है। आई एग्री क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो है फॉर्म यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिख देना है, जो भी आपका कैंडिडेट का नाम है। उसके बाद पिता का नाम लिख देना है, फादर्स नेम लिख देना है। उसके बाद अपनी मदर्स का नाम लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको चुन लेनी है, जो भी आपका हाई स्कूल की मार्कशीट में उसी के अकॉर्डिंग आपको भरना है। दोस्तों यहाँ पर अपना मेल चेक करना है, जेंडर चेक करना है, मेल है फीमेल, आप फीमेल है तो फीमेल भर सकते हैं, मेल है तो मेल। आइडेंटिटी कार्ड में दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, अदर वैलिड गवर्नमेंट। दोस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहां अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका आधार नंबर यहां पे आपका जो आधार नंबर है यहां पे पूरा इंटर कर देंगे अच्छे से। उसके बाद दोस्तों नीचे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको इंटर करना है और उसके बाद अपना ईमेल आईडी एंटर करना है। दोस्तों ध्यान रहे, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही इंटर करना है जो आपको अगले 6 महीने तक आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर किसी और का डाल देंगे तो बार बार आपको फॉरगेट करने में दिक्कत होगा, तो परेशानी होगी। तो आप वही ईमेल डालिए जो आपका खुद का है, एक्टिव है। और पासवर्ड आपको हमेशा बताए हैं कि आप एकदम सिंपल सा पासवर्ड बनाइए, जैसे कैपिटल ए रखिए, इस माल में AMAN अमन @123। मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर कर देना है, जो भी आपको बना रहे हैं अपना। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म योर पासवर्ड क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना कैप्चा डाल के सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे रिव्यू पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना सारा डॉक जो आप डिटेल्स भरे हैं उसको आपको रीचेक कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे अगर कोई अगर आप गलत भर दिए हैं तो वहाँ पे एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर पासवर्ड आएगा, इंटर ओटीपी आएगा, यहाँ आपको ओटीपी भर लेना है। और दोस्तों यहाँ पर जो नीचे कैप्चा है, कैप्चा डाल के वेरीफाइड एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा देगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो नाम है, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, राज्य की प्रत्ता, आपको अपने राज्य की जो है यहाँ पे क्लिक करना है। डोमिसाइल आप यूपी के हैं, यूपी भी डाल सकते हैं। अगर यूपी से बाहर हैं तो अदर यूपी करेंगे। और जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जाम पास्ट अपेयरिंग यूपी से है तो यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हम लोग पहला अपना कर लेते हैं डोमिसाइल ऑफ यूपी। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपने जाति को चुनना है कि जनरल OBC हैं, EWS हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, मतलब SC हैं कि ST हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपना जो है कैटेगरी चुन लेते हैं जनरल। आप जो भी आपका कैटेगरी है वहाँ पे आप चुन सकते हैं। सिलेक्ट एनी वन सब कैटेगरी फ्रॉम द लिस्ट। दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपको फ्रीडम फाइटर हैं या मिलिट्री पर्सन हैं, नॉट या फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आप ये क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या आप रंग अधंता से ग्रसित है, आर यू कलर ब्लाइंड। दोस्तों अगर आपको कलर ब्लाइंड है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। प्लेस ऑफ रेसिडेंट, दोस्तों अगर आप शहर में रहते हैं तो अर्बन क्लिक करेंगे, अगर आप गांव में रहते हैं तो रूरल क्लिक करेंगे। तो हम गांव में रहते हैं तो रूरल क्लिक कर रहे हैं।
दोस्तों क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं, आर यू बिलोंग टू माइनॉरिटी। दोस्तों ये अक्सर करके जो हमारे मुस्लिम भाई होते हैं उनके लिए होता है, अगर वो माइनॉरिटी से हैं तो उनको यस करना होगा, नहीं है तो आप सिंपल सा यहाँ पे नो करेंगे। नो करने के बाद दोस्तों आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे आपका अगला जो स्टेप रहेगा अप्लाई फॉर सेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है किस सेक्शन में अप्लाई करना है। दोस्तों आप पॉलिटेक्निक में जो भी कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए एक कोड बनाया गया है, आपको मैं कोड दिखा भी दे रहा हूँ, आपसे वहाँ पे सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे देख सकते हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ग्रुप ए में जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 साल क्लास 10th विथ 35 मार्क्स PCM 50% मार्क्स। दोस्तों यहाँ पे आपको अपना चेक कर लेना है कि कौन से आप किस ब्रांच में बनना चाहते हैं। जैसे कि मैं फार्मेसी में बनना चाहता हूँ तो यहाँ पे ग्रुप ई है, डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा के लिए 2 साल 10+2 इस साइंस स्ट्रीम विथ 50% मार्क्स। दोस्तों यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग भर लेना है जो भी आप भरना चाहते हैं। जैसे मैं आप ई भरना चाहता हूँ दोस्तों यहाँ पे E1 बायो कर दूंगा, अगर मैं मैथ से हूँ तो मैथ E2 कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम फाइनली जो है उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप फाइनल सबमिट सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्वालिफिकेशन का आ जाएगा, 10+2 साइंस मार्क्स विथ डिटेल। दोस्तों यहाँ पे आपका अपना जो आपका अगर अपीयरिंग है तो अपीयरिंग कर सकते हैं, पास हैं तो पास कर सकते हैं। जैसे मैं पास टू तो यहाँ पे पासिंग ईयर डाल देंगे कि आप किस सन में पास हुए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रोल नंबर एंटर कर देंगे या रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है वो भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप किस बोर्ड से जो है पास हुए हैं तो उसको भी यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद दोस्तों साइंस स्ट्रीम, तो उसके बाद आपको जो यहाँ पे 10+2 साइंस बायो, तो अगर बायो से किए हैं तो यहाँ पे आपको E1 करना है और मैथ से किए हैं तो E2 करना है, तो आपको 10+2 साइंस बायो कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रिजल्ट पे आ जाना है, रिजल्ट आपका किस प्रकार था, परसेंटेज था कि मार्क्स था, तो आप यहाँ पे परसेंटेज क्लिक कर देंगे, परसेंटेज आएगा। आप मैक्सिमम आप दोस्तों आप कितने में से कितना पाए हैं ये डाल के उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड जैसे ही आप सेव नेक्स्ट क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगे। तो प्रीमिसेस नंबर, विलेज नंबर, दोस्तों यहाँ पे आप अपने घर संख्या डाल सकते हैं या विलेज संख्या डाल सकते हैं। सब लोकेलिटी में दोस्तों आपका जो पोस्ट है आप वो डाल सकते हैं या पुलिस स्टेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद लोकेलिटी सिटी में दोस्तों यहाँ पे आपको गांव शहर किसी का भी नाम लिखना है। यहाँ पे कंट्री आपको जो है इंडिया कर लेनी है। इंडिया करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पे स्टेट पूछता है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर यूपी तो यूपी पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप चाहे जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना जिला का नाम लिखें, जिला का नाम लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे पिन कोड अपना एंटर कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो है आपको नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेम एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे अब आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर दोस्तों आपको यहाँ पे 4 प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो भी आप डालना चाहते हैं यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे स्टेट दिखा देता हूँ, उत्तर प्रदेश हूँ तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो भी आपका शहर है और जो आपका नज़दीकी सेंटर है या ज़िला है वहाँ पे आप चारों भर सकते हैं। ऐसे चारों में भरने के बाद दोस्तों आप फिर आपको नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप सेव नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे आपका अगला स्टेप रहेगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स इमेज। दोस्तों यहाँ पे फोटोग्राफ आपकी वाइट बैकग्राउंड रहेगी और डॉक्यूमेंट जो साइज़ रहेगी वो 15 से 200 KB के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर की जो साइज़ है वो आपको 15 से 200 KB के बीच रखनी है JPG फॉर्मेट में। दोस्तों अपलोड करने के बाद आपको सेव सबमिट एंड प्रीव्यू बटन पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप सेव एंड प्रीव्यू बटन क्लिक करेंगे तो एग्जांपल के तौर पे दोस्तों हम लोग ये इमेज अपलोड किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेल्फ वेरीफाइड, तो आप उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सिग्नेचर पे भी आपको सेल्फ वेरीफाइड क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सेव एंड फाइनली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद पूछता है डू यू विश टू सेव, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो दोस्तों उसके बाद आपको आ जाता है कि प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। दोस्तों आपको अपना पूरा फॉर्म अच्छे से चेक कर लेना है, अगर इसमें कोई आपको त्रुटि या एरर दिखता है, गलती हुई है तो आप इसे सुधार सकते हैं, क्योंकि फाइनल सबमिट के बाद आपको सुधार इसका नहीं सकते। तो दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है, पूरा चेक कर लेना अच्छे से।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक टिक दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना, उसके बाद सेव एंड फाइनल पे सबमिट कर देना है, उसके बाद यस कर देना है। यस करने के बाद दोस्तों आपका जो है फॉर्म फाइनली सबमिट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों पे रजिस्ट्रेशन फीस, तो दोस्तों इस पर क्लिक करना है, पे एंड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे किस माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो ऑनलाइन पे इस पर आपको क्लिक करना है, पे फीस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार का माध्यम मिल जाता है, SBI ई पे, ये रिसीवर है, तो दोस्तों आप किसी भी ICICI SBI किसी भी क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका डिटेल्स दोस्तों, यहाँ पे आप विभिन्न प्रकार से आप जो है यहाँ पे पैसे पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको UPI भी मिलेगा और जो है कार्ड भी मिलेगा और नेट बैंकिंग भी मिलेगा, यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को दोस्तों वीडियो मेरा पसंद आया होगा, अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका तुरंत रिप्लाई दे दूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।